यह मेरा 200D कैमरा का बक्सा और इस कैमरा को लेकर एक डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आराम से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा होल्डर लगा हुआ है। धनतेरस, उसके बाद है दीपावली, उसके बाद है भाईफोटा। भाईफोटा का मतलब जो दीदी और बहन लोग भाइयों को फोटा देते हैं यहाँ पर उसके लंबे उम्र के लिए। तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल के शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ पर प्रदीप जलाते हैं। अब देख सकते हैं ये बहुत एक प्रदीप है, एक एक प्रदीप, टोटल 14 प्रदीप इसको जलाया जाता है, इस लैम्प को जलाया जाता है। इसके लिए मैंने एक 14 प्रदीप का सेट मैंने खरीदा है। इसका प्राइस पर एक एक प्रदीप के दाम पर सिर्फ 1 रुपये। और इसको जलाने के लिए चाहिए ऑयल, तो ये छोटा सा ऑयल का पाउच भी मैंने आज खरीद के रखा है। दीपावली में मोटो व्लॉग करना है और मोटो व्लॉग करने के लिए आपको चाहिए हेलमेट, और हेलमेट में गोप्रो को लगाने के लिए ये स्ट्रिप। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, कैन यू सी दैट, दिस इज द स्ट्रिप भैया, मैं इसे घुमा को दिखाता हूँ। दो ऑप्शन था गोप्रो को हेलमेट में माउंट करने के लिए, एक तो जो एक होल्डर आते हैं उसको जो जस्ट लाइक गम्स इसको लगा के चिपका के मैं गोप्रो को फिक्स कर सकता था, और दूसरा ऑप्शन ऐसे एक स्ट्रिप को मैं दूसरे खरीदना, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1100 रुपये 1200 रुपये स्ट्रिप का दाम है। बट मैंने पैसा खर्चा करके स्ट्रिप मैंने खरीदा है, टेंसिल कंपनी का नाम थोड़ा सा दिखा दे, तो लेट मी शो यू द नेम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी देखो, टेल सिन का सेलसिन नाम का कुछ कंपनी का ये ब्रांड है। तो क्यों मैंने खरीदा, देखो एक्चुअली अगर मैं एक एक जो होल्डर है वो लगा दूँ किसी मेरे हेलमेट पे, मेरे पास तो है 2-3 हेलमेट, तो हेलमेट फिक्स हो जाता है, पर हेलमेट को अगर आप चेंज करोगे तो उसको दोबारा फिर से लगाना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, मैं कोई भी हेलमेट में ये फिक्स कर सकता हूँ, मेरा गोप्रो आराम से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हो पूरा होल्डर लगा हुआ है, ये अच्छी तरह से पीछे, दिस इज़ द थिंग, अच्छी तरह से पीछे ये लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं टाइट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं लूज़ भी कर सकता हूँ एज पर माई रिकमेंड। तो लॉक है, अच्छी तरह से लॉक है। मैं दो तीन व्लॉग मैंने ऑलरेडी शूट किया इस यूजिंग दिस माउंट, काफ़ी अच्छा है, क्वाइट गुड। और दिवाली तो आ चुका है, दिवाली में धमाकेदार मोटो व्लॉग करने के लिए तो चाहिए। तो भाई आज रात का डिनर का मेन्यू है अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और अंडे का जो ग्रेवी ऑलरेडी देख सकते हो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडे को छोड़ना पड़ेगा, एक एक करके मैं पूरा ही छोड़ देता हूँ। या देखो भाई, पूरा ही अंडे को मैंने छोड़ दिया है, और इसको लाइट यहाँ पर थोड़ा सा कम आ रहा है, बट क्या करूँ, मेरे किचन में ज़्यादा लाइट का सिस्टम नहीं है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है और लुक्स सो गुड। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 अंडे हैं, बाकी 2 अंडे तो मैं खा लूँगा, बाकी 3 अंडे बाकी घर वाले जो लोग हैं वो लोग जाएंगे। और इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉयल करने के लिए इसको अच्छी तरह से ढक देना पड़ेगा। यह मेरा 200D कैमरा का बक्सा और इस कैमरा को लेकर एक डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूँ एक लास्ट 7-8 दिन से। सो थोड़ा सा सोचता हूँ आपसे थोड़ा सा हेल्प ले लूँ, थोड़ा सा एडवाइस ले लूँ। जो लोग मुझको फॉलो करते हो कुछ दिन से, और कुछ लोग जो लोग मुझको फॉलो करते हो लास्ट 2-2.5 साल से, आप मैं बता दूँ, मैं मेरा जो ब्लॉगिंग का जर्नी शुरू किया था ये 200D कैमरा से ही। आई स्टार्टेड माई, सर 200D का पहले भी कैमरा था, बट वो ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया, सिर्फ एक ही ट्रिप जुम्मा मैंने किया था, उसके बाद बाकी का टोटल जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जर्नी मैं ये 200D कैमरा से ही किया था। तो इस 200D कैमरा के साथ मेरे 2-3 लेंस हैं, एक से किट लेंस है, ये वाला लेंस 18-55, दूसरा लेंस है 50mm, और तीसरा लेंस है 10-18। और ये 3 लेंस का एक पूरा सेट है, पूरा व्लॉगिंग का पूरा सेट है, फोटोशूट का सेट है। बट अभी क्या हो रहा है, ये गोप्रो खरीदने के बाद भाई ये 200D का टोटल जो काम है ये नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और फालतू ये कैमरा पड़ा हुआ है आफ्टर परचेसिंग गोप्रो। और गोप्रो इतना फ्लेक्सिबल, इतना छोटा, इतना जस्ट लाइक पुत्तू सा ये गोप्रो जिसमें शूट कर रहा हूँ, इसका क्वालिटी इतना भाई डिफॉल्ट इतना अच्छा होता है। देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है 200D में, जब मैं शूट करता हूँ इसका सेटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सेटिंग करते करते भाई आप मैंने कंसंट्रेट नहीं कर सकते व्लॉग में, और ऑटो मोड में करोगे तो क्वालिटी ऑफ द वीडियो इतना अच्छा नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, तभी मैंने डिसाइड किया ये इस 200D को मुझको सेल करना है। तो सेल करना है, सेल नहीं करना है, बिट ऑफ कंफ्यूज कर रख देना है। अगर सेल करूंगा तो देखो अभी तो 30,000 तो मिल जाएगा, लेट हो जाऊंगा तो इससे भी ये भी मुझको नहीं मिलेगा। सो आई मीन अ बिग डिलेमा, क्या किया जाए, मेरे 200D को सेल किया जाए और इसको खुद के पास रखा जाए। सो गाइज, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए।
ये है रात का 10:30 और मेरे रास्ते के सामने का कंडीशन देखो, एकदम स्ट्रीट लाइट जला हुआ है, पूरा सुनसान है इसका। इक्का दुक्का लोग ही सिर्फ यहाँ से अभी जा रहे हैं। सो एग्जैक्टली दिस इज़ द टाइम टू गो बैक होम। जो लोग काम करते हैं, देखो ये बहन वाले जो लोग काम करते हैं, सारा दिन का काम ख़त्म करके ये लोग घर जा रहे हैं। सो मेरे रास्ते के एकदम ऊपर ही मेरा घर है, तो इट लुक्स सो गुड। अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहते हो, आप हम लोग का जो ये छत है यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप बैठ सकते हो विद द चेयर और यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड टाइम यू नो वॉचिंग डिफरेंट पीपल, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं इसको देख देख कर, अगर अच्छे इवनिंग अच्छे यू नो जस्ट लाइक टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। फ्री में मिला मुझे ये 50 रुपये का दवाई, क्यों मिला थोड़ा सा स्टोरी आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। एक्चुअली मेरा पापा का एक छोटा सा माइनर बाइक एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा पेन किलर और कुछ क्या वो गैस का कुछ दवाई लेने मैंने गया था अपोलो फार्मेसी तो बहुत ही बड़ा एक फार्मेसी है, उसमें गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद टोटल मेरा दवाई का बिल हुआ अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 रुपये। उन लोग बोला भाई आप एक थोड़ा सा कार्ड मार्ट है करोगे तो 50 रुपये आपको स्पॉट में आपको कैशबैक मिल जाएगा। मैंने सोचा भाई ठीक है चलो 50 रुपये का कैशबैक का मतलब आपको कैश इन हैंड मुझको देगा। तो टोटल थोड़ा सा मोबाइल में कोई ऐप मैप डाउनलोड करवाने के बाद वो लोग बोला नहीं आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, आपको 50 रुपये का दूसरे को दवाई लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बट 24 घंटे बाद एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, उस OTP को लेके आना है, उसके बाद देना है। तो परसों का इंसिडेंट है, तो कल ही मैसेज आ गया था, तो आज कल ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझको, थोड़ा और भाग दौड़ करना पड़ रहा था मेरे पापा के लिए उसका जो माइनर एक्सरे के लिए। तो आज जाकर ये 50 रुपये का मेडिसिन फ्री में मिला, अच्छा है। अगर 200 रुपये का दवाई खरीदने के बाद 50 रुपये 100 रुपये का मेडिसिन फ्री में मिलता है, दैट्स क्वाइट गुड, दैट्स क्वाइट हेल्दी। तो खुश हूँ बहुत, थोड़ा सा गैस का, थोड़ा सा मम्मी का, थोड़ा सा सर दर्द का, बहुत ही जबरदस्त सर दर्द होता है, इस दोनों चीज़ का दवाई मैंने 50 रुपये का खरीद लिया, फ्री में लिया एपेलो से। तो फाइनली मैंने ऑन कर लिया मेरा एडिट सेटअप को। नाउ दोस्तों अभी एडिट टाइम, तो अभी चाय पीते पीते रात के 11:30 बज चुके, ऑफिस से मैं आ चुका हूँ, काम खत्म, शूट भी खत्म, 2-3 एपिसोड का मैंने शूट भी कर लिया है ब्लॉग का और मेरा दूसरा जो एडुकेशनल चैनल है अभी एडिट करना है, इसके बाद अपलोड करना है। लास्ट वीक लास्ट डे यस्टरडे एडिट वीडियो नहीं आया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर मेरा पापा का एक्सीडेंट हुआ था, माइनर एक्सीडेंट, तो थोड़ा सा दौड़ भाग कर रहा है इसलिए माइंड भी थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो ब्लॉग का मतलब है आपका माइंड अगर जबरदस्त चलता है घोड़े की तरह तब भी आप ब्लॉग को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना सकते हो, छोटा छोटा चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप स्टैब्लिश कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ। तो माइंड वॉज नॉट गुड, सो ब्लॉग आई डिडंट शूट। सो आज तगड़ा सा दिमाग है, सब कुछ चल रहा है, व्लॉग भी शूट हो चुका है और व्लॉग को एडिट करना है। सो गाइज आई एम रेडी टू एडिट एंड अपलोड द वीडियो, कल सुबह 7:30 ब्लॉग विल बी ऑन एयर। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।